तो बहुत स्वागत है आपका। लगातार ये बड़ी कवरेज जेबीपी गंगा पर जारी है। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो मुख्तार अंसारी अब रोपड़ जेल से रवाना हो चुका है, यानी यूपी पुलिस उसे रोपड़ जेल से लेकर रवाना हो चुकी है। और आपका अपना चैनल एबीपी गंगा पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। नेशनल हाईवे 1 पर पुलिस टीम का काफिला पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में अंबाला में दाखिल होगी पुलिस की टीम। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। तो कहां कहां से होकर गाड़ियां जा रही हैं और कहां तक अभी तक काफिला पहुंचा है, ये पूरी जानकारी आपको एबीपी गंगा पर मिलेगी। थोड़ी ही देर में अंबाला में दाखिल होगा पुलिस का काफिला। शंभू बैरियर पहुंचने वाला है पुलिस का वो काफिला जिसमें वो लेकर जा रहे हैं यूपी के नंबर वन डॉन मुख्तार अंसारी को, जिसने तमाम पैंतरेबाजी की। 2 साल तक वो छकाता रहा, लेकिन आखिरकार उसे अब उत्तर प्रदेश जाना पड़ रहा है। और ये वो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आज की मुख्तार अंसारी की, जब उसे एम्बुलेंस में बिठाया गया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि वो पुलिस का काफिला जिसमें मुख्तार अंसारी है, वो काफिला कहां पर पहुंच गया है। रूट की सबसे पहले जानकारी आपका अपना चैनल एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। और इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, जितने भी अपडेट है, सबसे पहले सबसे सटीक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए लाल घेरे में सफेद कुर्ते पाजामे में व्हील चेयर पर बेबस बैठा हुआ आपको मुख्तार अंसारी नजर आ रहा होगा। ये वही मुख्तार अंसारी है जो बीते 2 साल से रोपड़ जेल में बंद है पंजाब की, और उसे यूपी लाने की कवायदें हो रही थी। हालांकि वो लगातार बहानेबाजी कर रहा था और अब फाइनली उसे यूपी लाया जा रहा है। तो देखिए अपने दर्शकों को समझाने के लिए हमने तमाम इंतजाम किए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की गाड़ी है, उसके बीच में फिर एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार बैठा हुआ है, लेटा हुआ है मुख्तार अंसारी, और फिर उसके पीछे पुलिस का वो काफिला है जो उसकी सुरक्षा में मुस्तैद किया गया है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से, रूट के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो रूट हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, वो काफिला हमने आपको दिखाने की कोशिश की है जो काफिला निकल चुका है पंजाब के रोपड़ जेल से और अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है यूपी की तरफ। कहां पर काफिला पहुंचा है और अभी कितनी देर और लगेगी, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रोपड़ टू बांदा जेल यात्रा का एक्सप्रेसवे आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे, ये वो एक्सप्रेसवे हमने बनाने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज की मुख्तार की, ये सबसे पहली तस्वीर एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब रोपड़ जेल से उसे एम्बुलेंस में बिठाया गया, उसे एम्बुलेंस में बिठाने की ये तस्वीरें हैं। पंजाब पुलिस वहां पर मुस्तैद है और पुलिस कर्मियों की मदद से, डॉक्टर्स की मदद से उसे एम्बुलेंस में अंदर घुसाया गया और वहां पर उसने लेटना प्रेफर किया। उसके जो स्वास्थ्य कारण है उसकी वजह से लाल घेरा जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, इसी लाल घेरे में आपको मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर बैठा हुआ नजर आ रहा होगा। आप साथ में जाओगे? और विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, देखिए मुख्तार अंसारी इतने दिन से छका रहा था, 2 साल तकरीबन हो गए और अब फाइनली उसको उत्तर प्रदेश वापस लौटना पड़ रहा है, तमाम सुरक्षाओं के बीच, तमाम पुलिस काफिले के बीच अब वो उत्तर प्रदेश लौट रहा है। जी, ये संतोष का विषय है कि कानून की परिधि में अब मुख्तार अंसारी आ गए हैं। इनके भागने के तमाम रास्ते और पंजाब सरकार की प्रत्यक्ष और परोक्ष सहानुभूति और इनका सहयोग और समर्थन किया गया, करोड़ों रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में इनका बचाव किया गया और एन केन प्रकारेण डिप्रेशन और कमर के दर्द के आधार पर इनको पंजाब आतिथ्य सत्कार की पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद इनको अंततोगत्वा उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, जहां कानून अपनी प्रक्रिया पूरा करेगा और इनके जो 15 मुकदमे जो लंबित हैं उनकी सुनवाई होगी और गुण दोष के आधार पर, साक्ष्य आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है ऐसे माफिया के लिए जो लगातार अपने रसूख से लोगों को डराकर आतंक का पर्याय बन चुका था, अब वो उत्तर प्रदेश वापस आ रहा है। विक्रम सिंह जी, देखिए आपको लंबा अनुभव रहा है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब इतने बड़े माफिया को, जब इतने बड़े अपराधी को कहीं से लाया जाता है, एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है, तो कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के लिए होती है और किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है ताकि सुरक्षित उसे जेल में शिफ्ट किया जा सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर ऐसे हाई प्रोफाइल आरोपियों के ऊपर जिनका अंडरवर्ल्ड से बहुत गहरा संबंध है। इनके छुड़ाने की कोशिश हो सकती है, इनके ऊपर आक्रमण भी हो सकता है, ये खुद भागने की कोशिश कर सकते हैं। इन तीन संभावना को लेकर के पुलिस बल इतना मजबूत, चाक चौबंद, हथियारों से सुसज्जित, वायरलेस और टेली कम्युनिकेशन, इसके अलावा मैं तो ये भी कहूंगा कि जहां कनेक्टिविटी ना हो तो वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि आपका रूट इसका ज्यादा अनुमान पहले से नहीं देना चाहिए। रास्ते में पड़ने वाले सभी पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि जहां पर रेल के फाटक हो, भीड़ भाड़ हो, ट्रैफिक जाम हो, उसकी पहले सूचना जो एक कॉन्वॉय है उसके लीडर को दे दें। रेल क्या फाटक अगर बंद है तो उसको पहले बता दें कि इतने बजे तक बंद रहेगा, इतने बजे खुलेगा, जिससे कि उनको कम से कम रेल फाटक पर रुकना ना पड़े। रेल फाटक के रुकने पर एक खतरे की बात आ जाती है, कॉन्वॉय पे आक्रमण हो सकता है, भागने की कोशिश जब कभी होती है तो जहां रेलवे का फाटक होता वहां पर अक्सर हुई है, इसलिए यहां पर विशेष सावधानी, जहां ट्रैफिक जाम है वहां पर बड़ी सावधानी। रास्ते में लोग अगर अवरोध लगा करके धरना प्रदर्शन की आड़ में पुलिस के कॉन्वॉय को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसको जवाब देने के लिए, जाम खुलवाने के लिए स्थानीय एसपी और इस कॉन्वॉय के पास वांछित संसाधन होने चाहिए। और ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि किसी ने अगर आक्रमण करने की कोशिश की, छुड़ाने की कोशिश की, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसे मन में इस तरह का मनसूबा कोई ना पाले, इसलिए ये जरूरी होता। मैं तो चाहता था कि इनको बाय एयर, क्योंकि इसके पहले कई शातिर अपराधी, चरमपंथियों और टेररिस्ट को मैं हेलीकॉप्टर और स्टेट प्लेन से ले जा चुका हूं, उसमें कम से कम ये था कि मार्ग जर्नी, रोड जर्नी की जो खतरे हैं वो दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा ये सफर है विक्रम सिंह जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उनको मुस्तैद करना चाहिए और ऐसा किया भी गया। बने रहिए हमारे साथ विक्रम सिंह जी, आपसे लगातार हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी कवरेज एबीपी गंगा पर जारी है। और ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, ये माफिया, आप इसके हाथ में महंगी घड़ी देख रहे होंगे, सफेद कलर के कुर्ते पजामे इसने पहने हैं, हालांकि व्हील चेयर पर ये जरूर है क्योंकि दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत बीमार है। ये उसी बीमारी का हवाला दे रहा है जो बीमारी का हवाला देते देते ये अब तक यूपी आने से बच रहा था। अब वैसे ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए जिस कुछ ऐसी ही तस्वीर है ये, जो तस्वीर आपने देखी होगी जेल में जब उसे ले जाया गया था पेशी के वक्त, कुछ ऐसी ही तस्वीर अभी देखने को मिल रही है और हमने आपकी आसानी के लिए लाल घेरा बनाया है। ये लाल घेरे में आप देखिए कि कैसे माफिया मुख्तार अंसारी बेबसी के साथ इस व्हील चेयर पर बैठा है और उसके चेहरे पर आप अगर बॉडी लैंग्वेज रीड करेंगे तो इसके चेहरे पर कहीं ना कहीं आपको वो टेंशन नजर आ रही होगी, क्योंकि ये माफिया अब उत्तर प्रदेश लौट रहा है, उसी उत्तर प्रदेश में लौट रहा है जहां इसने अपराध के काले कारनामे किए थे, जहां इस पर 15 मुकदमे लंबित हैं जिन पर अब जल्द से जल्द सुनवाई होगी। और देखिए 21 जनवरी 2019 को ये बांदा जेल से, यानी यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल गया था और तभी से लगातार इसे वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर इसको लेकर गई थी और तभी से कोशिश की जा रही थी कि मुख्तार अंसारी को वापस लाया जाए उत्तर प्रदेश, ताकि इसकी जो कार्रवाई है, इस पर जो केस चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए और इसकी सजा सुनिश्चित किया जाए। और अब वो दिन आ गया है जब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश वापस लौट रहा है। और एक बार फिर से हम आपको विक्रम सिंह जी के पास लिए चलते हैं, हमारे साथ पूर्व डीजीपी लगातार बने हुए हैं। देखिए विक्रम सिंह जी, जैसा आपने बताया कि आपके पास भी लंबा अनुभव रहा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं माफिया मुख्तार अंसारी की बहुत कुछ कहती हैं और कहीं ना कहीं जो खौफ है यूपी पुलिस का वो अब उसके चेहरे पर नजर आ रहा है और एक बेबसी उसके चेहरे पर, एक टेंशन, एक शिकन उसके चेहरे पर नजर आ रही है। किस तरीके की मेंटेलिटी रहती है ऐसे वक्त में ऐसे अपराधियों की जब उन्हें शिफ्ट किया जाता है दूसरी जगह पर? आप इस पे स्वयं मूल्यांकन कर लें कि एक जगह आप बाहुबली की तरह अपना आपराधिक साम्राज्य चला रहे थे, आपकी तूती बोल रही थी, आप दरबार लगा रहे थे, आपके पास फोन, सैटेलाइट फोन,
वायरलेस हर तरीके की सुविधा थी। आप उन्हीं फोन के माध्यम से दुरुपयोग करते लोगों को धमका रहे थे, जबरदस्ती धन वसूल रहे थे, लोगों को भयाक्रांत कर रहे थे। अब जब से तमाम सुविधाएं समाप्त हो गई, अब आप वैसे ही रहेंगे जैसे कि एक सामान्य आरोपी अपराधी रहता है। आपकी वो सारी सुविधाएं जब समाप्त हो गई तो आपके मन में संशय, असमंजस, असहज होना बिल्कुल स्वाभाविक है और वो साफ चेहरे पर और बॉडी लैंग्वेज में परिलक्षित भी हो रहा है। लेकिन कानून अपने हिसाब से चलता है, व्यक्ति विशेष के लिए अपवाद नहीं बनाया जा सकता है। बहुत दिन आपने अपने धन बल, बाहुबल और बुद्धि बल के आधार पर वो लाभ उठाए जिसके लिए आप अधिकृत नहीं थे। अब वो समय आ गया है जब अपने गुनाहों के बारे में आप अपनी सफाई दे न्यायालय में, आप सजा मिलती है, सर झुका के स्वीकार कीजिए। बरी होते हैं तो ठीक है, न्यायालय के आदेश सर्वमान्य है, सबके लिए है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए सर्वमान्य है। बिल्कुल, और अब उसे अपने गुनाहों का जो फल है वो मिलेगा, अपने गुनाहों की जो सजा है वो मुख्तार अंसारी को मिलेगी। और कहीं ना कहीं वही टेंशन, वही शिकन उसके चेहरे पर नजर आ रही है। लगातार एबीपी गंगा वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है। विक्रम सिंह जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस जिसका खौफ अब कहीं ना कहीं अपराधियों में पैदा हो रहा है और कुछ ऐसा ही खौफ हम मुख्तार अंसारी के चेहरे पर देख रहे हैं, इसे आप किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जहां पर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहते थे, वहां पर एक माफिया डॉन जिसकी कभी तूती बोला करती थी वो आने में डर रहा है, उसके चेहरे पर टेंशन देखने को मिल रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, लेकिन बीच में आपको रोकना चाहूंगी, माफी के साथ आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अलर्ट जारी कर दिया गया है 11 जिलों में, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। देखिए सुरक्षा के लिहाज से जो भी कदम उठने चाहिए वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं एहतियातन। अब 11 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रोपड़ जेल से निकलते ही यूपी के 11 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बताएं गाजियाबाद और नोएडा जिले में अलर्ट जारी किया गया है, 11 जिले हैं जो सेंसिटिव हैं। इटावा औरैया में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम मुख्तार अंसारी को लेकर जा रहे पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा, तो बीच में जो जो जगह पड़ेंगी, जो जो जिले पड़ेंगे वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद और नोएडा जिले में अलर्ट जारी किया गया है, इटावा औरैया कानपुर और कानपुर देहात में भी अलर्ट जारी किया गया है, कानपुर नगर, फतेहपुर और बांदा जिस जेल में उसे रखा जाना है वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस की नजर है, कोई चूक ना हो जाए, बस यही कोशिश यूपी पुलिस की है। और इसीलिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच, यानी आप देखिए कि एक परिंदा भी पर ना मार पाए, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसी सुरक्षा व्यवस्था में उसे लेकर आया जा रहा है। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, देखिए हम लगातार सुबह से हर एक डेवलपमेंट बता रहे हैं और अब बड़ा अपडेट यह है कि 11 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। जी, इसमें रहता है इस समय हाई अलर्ट जारी इसलिए किया गया है क्योंकि जो काफिला निकला है मुख्तार को लेकर रोपड़ जेल से, वो जैसे ही यूपी पहुंचेगा तो वो गाजियाबाद से एंट्री करेगा और नोएडा होते हुए, एक्सप्रेस वे होते हुए मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद जाएगा, फिरोजाबाद से नेशनल हाईवे पकड़ेगा और इटावा, औरैया, कानपुर देहात और कानपुर नगर होते हुए फतेहपुर से बांदा पहुंचेगा। ये जो रूट है, ये अभी अभी ये रूट पता चला है कि इसी रूट से मुख्तार को बांदा जेल तक लाया जाएगा, इसीलिए इन 11 जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। यहाँ की पुलिस को बॉर्डर पर तैनात रहकर ये कहा गया है कि जैसे ही काफिला इनके जिले की सीमा में आता है उसके साथ पुलिस की वैन रहेगी, पुलिस की टीमें रहेंगी, तब तक कि वो जिला क्रॉस नहीं कर लेता है तब तक उसके साथ साथ चलेंगी, पूरी टीम पुलिस की काफिले के साथ चलेगी। इसके साथ ही ये भी नजर रखने को कहा गया है कि मुख्तार के जो समर्थक हैं इन जिलों में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मथुरा में, आगरा में, फिरोजाबाद में, कानपुर, इटावा, औरैया में जो भी समर्थक हैं, वो अगर फ्लीट के साथ होने की कोशिश करते हैं या काफिले के पीछे पीछे या साथ में चलने की कोशिश करते हैं तो उन पर नजर रखे, उनको काफिले से दूर रखे, ये ऐसे इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस बात को लेकर जो शासन के अधिकारी हैं, जो गृह विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने सभी 11 जनपदों के जो एसपी हैं, पुलिस प्रभारी हैं, उनसे बात की है, नोएडा कमिश्नरेट से बात की है, भी बात करके सारे इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है और पुलिस की टीमें ये आकलन कर रही हैं कि अगर
शाम को 6 से 7 बजे के बीच में ये भी एक जानकारी मिली है कि मुख्तार को अंधेरा होने से पहले यूपी के बॉर्डर पार करा दिया जाएगा, यूपी ले आया जाएगा, अंधेरा होने के पहले पहले उसे यूपी ले आया जाएगा ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना ना हो। यहाँ यूपी में लाने के बाद उसको रात में कहीं स्टे जरूर करा सकते हैं क्योंकि सफर फिर भी लंबा है, 8 घंटे करीब लगेंगे उसको यूपी में प्रवेश करने के बाद, बांदा पहुंचने में 8 से 9 घंटे लग सकते हैं, इसलिए रात को किसी जगह स्टे कराया जाएगा। ये कहाँ स्टे होगा, किस जगह होगा, ये बात अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ये तय है कि पुलिस का कोई जो स्थापना है, पुलिस का जो प्रतिष्ठान है, पुलिस लाइन हो सकता है या फिर पैरामिलिट्री की जो बटालियन है वो हो सकती है, वहां पर मुख्तार को रात में स्टे कराया जाएगा। उसके बाद जो अगला सफर है वो अगले दिन यानी बुधवार को उसको लाया जाएगा यहां बांदा जेल। ऐसी अभी चर्चा आ रही है, ऐसी अफसरों के बीच में जानकारियां उनसे मिल रही है कि क्या होना है। फिलहाल 11 जिलों में जो हाई अलर्ट है, पुलिस को सतर्क कर दिया गया है, सभी से कहा गया है। बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी आप विवेक यहाँ पर दे रहे हैं कि रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले उसे यूपी बॉर्डर में दाखिल करवा लिया जाएगा और हो सकता है कि उसे कहीं पर स्टे करवाया जाए। आप बने रहिए विवेक हमारे साथ, लगातार इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए हुए हैं। अब सीधा हम स्नेहलता का रुख कर लेते हैं, मेरी सहयोगी जो स्टूडियो 2 से हमारे साथ बनी हुई है। स्नेहा, जरा वो रूट बताइए, वो संभावित रूट जो सोर्सेज से हमें पता चल रहा है। बिल्कुल प्राची, आप बिल्कुल स्नेहा बिल्कुल, अब रुक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो संभावित रूट क्या है। हमने भी थोड़ी रिसर्च की है और जो डेवलपमेंट निकल के आए हैं उन रूट्स की जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्हें देखिए और समझिए कि कौन सा रूट अख्तियार किया गया है। रूट बड़े हैं, छोटे हैं और कई तरह के, कई जिलों से और कई राज्यों से भी गुजरने वाले हैं। रूट को 3 हिस्सों में बांटा गया है और 3 रूट पे हमने जो रिसर्च करी है वो पता चलता है 2 रूट तो काफी लंबे हैं, एक छोटा रूट है, क्या उसे अख्तियार किया जाएगा जिसमें 2 राज्यों से होकर गुजरना होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये पहली रूट है जहां मोहाली से आगे निकलने के बाद किस तरीके से ये रूट आगे बढ़ता है, जरा देखिए। 14 घंटे 32 मिनट का वक्त लगेगा इस रूट से बांदा तक पहुंचने में और 11 जिलों में जहां अलर्ट जारी किया गया है प्राची, सबसे बड़ी बात यह है कि वो यही रूट है जहां अलर्ट जारी किया गया है, जो 14 घंटे 32 मिनट का रूट है, बाकी रूट के मुकाबले में ये छोटा बताया जा रहा है। इटावा जा रहा है, औरैया और इसी रास्ते से आगे गुजरना और यहां अलर्ट भी है, हमीरपुर और बांदा यहां पहुंचना है, ये है। तो इसे हमने एक नंबर रूट का नाम दिया था और जहां तक समझ में आ रहा है ये रूट ही है जो इस वक्त मुख्तार की एम्बुलेंस फॉलो कर रही है। तो रूट नंबर 1 फिर से देखिए, फिर से समझिए, 14 घंटे 32 मिनट का वक्त लगेगा। रोपड़ से निकली, मोहाली क्रॉस हो चुकी है और अंबाला अगला स्टेप होगा, अगला स्टॉप नहीं, जहां से आगे बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र और उसके बाद करनाल, हरियाणा में चल रहे हैं हम और पानीपत। पानीपत ये साफ था कि ये यही रास्ता होगा, इसके आगे गाजियाबाद वाला रूट अख्तियार किया गया, यही से रूट चेंज हो सकता था जिसकी अभी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब स्पष्ट है जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, रूट नंबर 1 की जानकारी लग रही है जिसके बारे में सबसे ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी रूट से होकर एम्बुलेंस को लाया जाएगा बांदा। तो बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे प्राची का। जी प्राची, बिल्कुल स्नेहलता, आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरीके से वो रूट है और कितना बड़ा वो रूट है और अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये आ रही है कि अंबाला पहुंचने वाला है वो काफिला जिसमें लेकर आया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। मुख्तार के काफिला का सबसे ताजा अपडेट सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। अंबाला पहुंचने वाला है मुख्तार अंसारी का काफिला, यानी अंबाला पहुंचाएगा आपसे कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी का काफिला। और जैसी की जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये मिल रही है कि अंधेरा होने से पहले यूपी के बॉर्डर में उसे दाखिल कर दिया जाए और फिर हो सकता है कि नाइट स्टे कहीं पर कराया जाए मुख्तार अंसारी को। बहरहाल अभी सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात कर ले तो 11 जिलों में उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में अपडेट जारी किया, अलर्ट जारी किया गया। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अंबाला पहुंच गया है मुख्तार अंसारी का काफिला, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई इस वक्त
की बड़ी खबर, अंबाला पहुंच गया है वो काफिला जिसमें मुख्तार अंसारी है, यानी तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच, पुलिस के काफिले के बीच मुख्तार अंसारी की वो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अब उत्तर प्रदेश आ रहा है वो अंबाला पहुंच चुकी है। ये ताजा अपडेट, एबीपी गंगा लगातार उस काफिले को फॉलो कर रहा है और अब तक सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं, सबसे पहले ताजी तस्वीर हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी जो ताजा अपडेट है वो ये है कि अंबाला पहुंच गया है मुख्तार अंसारी का काफिला और अब और देखिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, देखिए अंबाला जब पहुंच गया है मुख्तार अंसारी का काफिला, अब सवाल यह है कि कितनी राहत होगी यूपी पुलिस के लिए हरियाणा से यूपी में दाखिल करवाने के बाद मुख्तार अंसारी के काफिले को। जी, काफी राहत महसूस होनी चाहिए क्योंकि कम से कम ये जरूर है कि कोई हॉस्टिलिटी नहीं है। आप माने या ना माने इस बात को, लेकिन विगत दो वर्षों में पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस में काफी एक शीत युद्ध की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी क्योंकि एन केन प्रकार जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को रोकने की कोशिश की और जिस तरीके से एक बहुत ही एक गुपचुप तरीके से उसको बांदा जेल से वो पंजाब लाए थे, तो ये मान के चलिए कि हमारे जो पारस्परिक संबंध थे वो बिल्कुल सामान्य नहीं थे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर पंजाब की सीमा से बाहर आते ही राहत की पहली सांस, और यूपी तो अपना घर ही है, 11 जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट कर दिया गया है, नेबरिंग जो भी पीएससी बटालियन से अगर रुकना हो तो प्रत्येक पुलिस लाइन में रुकने की व्यवस्था होती है, पीएससी बटालियन में रुकने की और भी अच्छी व्यवस्था होती है, तो ये मान के चलिए कि इनको सुरक्षित बांदा जेल तक पहुंचाने में इन 11 जनपदों में पार करने के उपरांत मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। लेकिन मेरा परामर्श होगा कि जितनी गाड़ियां चल रही हैं ये उचित नहीं है, चाहे हमारे पत्रकार बंधु ही क्यों ना हो, क्योंकि पत्रकार बंधुओं की आड़ में इसके पहले भी कई बार ये देखा गया है कि असामाजिक तक आपराधिक तत्व घुल मिल करके और कैमरे की आड़ में हथियार का इस्तेमाल किया जा चुका है। ये चीज उचित नहीं है, वांछित दूरी रखें, लगाव न आने दें और अनुचित तरीके से पत्रकारों के तथा मैं उम्मीद करता हूं कि कवरेज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भीड़ और एक समूह अनियंत्रित भीड़ और आगे बढ़ने की होड़, ये खतरे की घंटी हो सकती है। इस पे विक्रम सिंह जी, देखिए इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी वहां पर नहीं होगी और किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल मीडिया की वजह से पैदा नहीं होगी। शुक्रिया आपका विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, समझाने के लिए कि कितना मुश्किल है और कितना। और ये देखिए, ये वो रूट है, हम आपको वो रूट दिखा रहे हैं जिस रूट से होकर ये जो काफिला है वो जा रहा है, अंबाला पहुंच गया है। अंबाला पहुंचने के बाद कुरुक्षेत्र से होकर गुजरेगा, कुरुक्षेत्र से होने के बाद करनाल होकर गुजरेगा वो काफिला जिसमें शामिल है मुख्तार अंसारी, फिर पानीपत जा होगा, फिर पानीपत के बाद गाजियाबाद यानी यूपी में एंटर कर जाएगा, उसके बाद ग्रेटर नोएडा से होते हुए एक्सप्रेस वे होते हुए जाना है, आगरा बीच में है, फिरोजाबाद बीच में है, फिरोजाबाद के बाद इटावा ये पहुंचेगा पुलिस का काफिला जिसमें मुख्तार अंसारी है, फिर औरैया पहुंचेगा और औरैया के बाद हमीरपुर और हमीरपुर के बाद वो डेस्टिनेशन आ जाएगी जहां पर मुख्तार अंसारी को लेकर जाना है, जिस जेल में उसे रखना है। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चप्पे चप्पे पर एबीपी गंगा का जो कैमरा है वो मौजूद है और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश वापस लाया जा रहा है, उस डॉन को वापस लाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं पंजाब की रोपड़ जेल में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और ये चाह रहा था कि उसकी उत्तर प्रदेश वापसी ना हो, लेकिन अब उसे उत्तर प्रदेश वापस आना पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश वो वापस आएगा तो उन 15 मुकदमों का निपटारा होगा जो कहीं ना कहीं उस पर लंबित है और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, अब ऐसा समझा जा रहा है, यानी उसके गुनाहों का अब हिसाब होगा उसी धरती पर जहां उसने सबसे ज्यादा गुनाह किए हैं, जहां उसने सबसे ज्यादा आतंक मचाया है। तो हर एक खबर, हर एक अपडेट उससे जुड़ा हुआ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ताजा अपडेट यह है कि वो अंबाला पहुंच चुका है और अंबाला के बाद अब धीरे धीरे करके जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है, 11 जिलों में यूपी के हाई अलर्ट जारी किया गया है।
देखिए मुख्तार अंसारी का काफिला पहुंच चुका है अंबाला और अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और कोशिश यह है कि अंधेरा होने से पहले यूपी के बॉर्डर में उसे दाखिल करवा दिया जाए। हर एक खबर, इससे जुड़ी हुई हर एक तस्वीर सबसे पहले आपका अपना चैनल एबीपी गंगा आप तक पहुंचा गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।